गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अमरेंद्र कुमार, साइंस टीचर, चौरसिया विद्या विहार। टुडे स्टडी चैप्टर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लियर? आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो न्यूटन के लॉज को प्रीवियस वीडियो स्टडीज, फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ डिराइव्स लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, बिकॉज इट ऑल्सो एक्सप्लेन इंट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहेंगे, तो व्हेन द टू बॉल, टू ऑब्जेक्ट्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए सेम पाथ, स्ट्रेट लाइन इन ए सेम पाथ, इफ वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट बॉल मोर देन द सेकेंड, देन इट कोलाइड विद ईच अदर्स एंड फर्स्ट बॉडी एग्जर्ट फोर्स ऑन सेकेंड एंड सेकेंड एग्जर्ट्स में फर्स्ट, तो दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे और फोर्स से फिर हमारा आएगा कि द टोटल मोमेंटम बिफोर इंट्रैक्शन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन, आफ्टर कोलिजन, एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। अब इसमें देखिए हमारा क्या है करना, कि टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट हो गया ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया बी, ए और जी, मास दोनों का मास, इसका मास है m1 और इसका मास क्या हो गया m2, मूविंग विद ए वेलोसिटी u1, ए किसे मूव कर रहा है u1 से और b मूव कर रहा है किसे u2 से, u1 और u2, u1 इज इफ u1 इज ग्रेटर देन द u2, u1 अगर u2 से ग्रेटर तो क्या होगा, तो ये आपको a और b कोलाइड हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, यानी a और ये b दोनों क्या हो गया, कोलाइड्स हो गया, जिसकी इसमें फॉर ए इंस्टेंट टाइम, यानी स्मॉल टाइम, टाइम हमारा क्या आ गया टी, और ए एग्जर्ट फोर्स ऑन बी एंड बी ऑल्सो एग्जर्ट फोर्स ऑन ए, इसको हम क्या कहेंगे एफ ए बी एंड इसको हम क्या बोलेंगे एफ बी ए। अब ये दोनों जब इंटरेक्ट होंगे, इंटरेक्ट होने पर ए एग्जर्ट करता है फोर्स बी पर और बी करता है किस पर, ए पर, ठीक है, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिव। अब ये हमारा ए, ए मूव करता है इससे बी वन वेलोसिटी से आफ्टर इंट्रैक्शन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बी वन से, और जो हमारा बी है वो मूव करता है किससे बी टू से, ये V2 से मूव कर रहा है, ये V1 से मूव कर रहा है,
if A or B collides, A moves B1, B moves B2. Unless external force, अगर इस पर कोई external force act नहीं होगा तो क्या होगा, इसके जो total momentum है before interaction that is equal to the total momentum after interaction. तो अब इससे हमारा क्या आ जाएगा कि ये जो interaction है टोटल मोमेंटम इक्वल होंगे। अब हम स्टार्टिंग से देखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है, ए का इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, पी वन दैट इज इक्वल टू एम वन और यू वन, ये हो गया पी वन। और इसका जो आफ्टर कोलिजन के बाद इसमें क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा जो P2 है, P2 हमारा क्या हो जाएगा M1 और V1। चेंजिंग मोमेंटम A है, A और A में चेंजिंग मोमेंटम क्या आएंगे, चेंजिंग मोमेंटम दैट इज ये हमारा होगा चेंज इन मोमेंटम That is equal to P2 और माइनस में P1, P2 माइनस P1। अब इसमें देखिए जो ऑब्जेक्ट B है या बॉल B है, इसको जब हम मूव कराते हैं तो इनिशियली हमारा क्या हो जाएगा P3। अब इसको हम क्या लिखेंगे M2 U2, और फाइनल जो आफ्टर कोलिजन कोलिजन के बाद क्या आ गया ये P4, ये है हमारा ऑब्जेक्ट A, A के लिए, और ये किसके लिए कर रहे हैं, ये हमारा B के लिए है, B ऑब्जेक्ट के लिए। तो P4 इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज M2 V2, और B में चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम That is equal to P4 minus P3, P4 minus P3। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, जो P4 minus P3 है इसको लिख सकते हैं M2 V2 minus M2 U2। ठीक इसी तरह ये फर्स्ट है, इसमें भी हम चेंजिंग मोमेंटम को ये भी लिख सकते हैं M1 B1 minus M1 U1। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। अब यहां पर हमारा क्या आ गया, यहां हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, चेंज इन मोमेंटम हमारा, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स जो हमारा ए है, ए का क्या आ जाएगा एफ ए एग्जर्ट ऑन बी एफ ए बी, और टाइम कितना है टी है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो आगे बता देता हूं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन According to Newton's second law, देखिए according to Newton's second law, अब इस second law से हमें क्या मिला, second law से मिलेगा कि F A B that is equal to the that is equal to M1 V1 minus M1 U1 upon में टाइम कितना आ गया टी आ गया। अब इसको हम इक्वेशन बना देते हैं वो, ठीक है सिमिलर, ठीक इसी तरह से जब हम बी ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या हो गया सिमिलरली एफ बी ए
that is equal to m1 v2 minus m2 v2 m2 u2 अपॉन में टाइम कितना लगा t। अब हमारे पास इसमें है क्या, कोलिजन हुआ है, इंट्रैक्शन हुआ है। जब इंट्रैक्शन हो गए तो यहां क्या लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में ये क्या बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन दैट इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब यहां पर देखिए कि हमारा क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन थर्ड, यहां हमारा क्या है थर्ड लॉ। अब इस थर्ड लॉ से क्या आ जाएगा, एफ ए बी दैट इज इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट है तो क्या लगेंगे माइनस साइन, एफ माइनस एम बी ए, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए और बी की जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अब इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपको, एम वन बी वन माइनस एम वन यू वन अपॉन में टी, मतलब टी इक्वल टू एम टू बी टू माइनस एम टू यू टू अपॉन में टी। और इसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव साइन, माइनस माइनस एच बी ए, तो टी से टी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, टी से टी क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब ये हमारा क्या आया, एम वन बी वन माइनस एम वन यू वन इक्वल टू माइनस क्या है, माइनस एम टू बी टू प्लस एम टू यू टू, क्या क्या। अब इनको हम अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस वाले टर्म को, जो माइनस वाले टर्म है उनको हम इधर ले आएंगे और जो माइनस इधर माइनस है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा एम वन बी वन प्लस एम टू बी टू इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू बी टू यू टू, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसमें देखिए ये टोटल मोमेंटम क्या है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम दैट इज एम वन बी वन प्लस में एम टू बी टू, और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज एम वन बी वन प्लस में एम टू बी टू। अब ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल आ गए, कब हो गए, अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिव्स ए लॉ, इस डेरिवेशन से ही हमें क्या मिला, लॉ मिला। लॉ क्या है, लॉ इस लॉ को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर एंड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अब इसको हम रिपीट कर देता हूं, देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या कहेंगे कि टू बॉल है या टू ऑब्जेक्ट है, कौन से ए और बी टू ऑब्जेक्ट, क्लियर, एनी डाउट, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ये मूव कर रहा है किसमें, ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में,
लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम हमारा ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और सेम पाथ, एक ही पाथ पर मूव कर रहा है, कौन, एम वन भी और एम टू। और इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है यू वन। और इसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यू टू। तो यू वन और यू टू, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो गया यू वन, इसका क्या हो गया यू टू। इफ यू वन इज ग्रेटर देन द यू टू, मतलब जो एम वन है, एम ए है, ऑब्जेक्ट ए है, इसकी वेलोसिटी बी से वेलोसिटी क्या हो, मोर हो। जब मोर होगा तो क्या होगा, और एक ही पाथ पर जा रहे हैं तो आपस में टकराएंगे, कोलिजन होगा, कोलाइड करेंगे, ये कोलाइड होते हैं, टकराते हैं, कोलाइड इच अदर। जब कोलिजन होगा इसमें क्या होगा कि आपने न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ा है कि जो ए है वो बी पर से टकराएगा, तो ए एग्जर्ट करेगा फोर्स किस पर, बी पर, वो क्या हो गया एफ ए बी। और जो बी है वह भी फोर्स एग्जर्ट करता है किस पर, ए के ऊपर करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एफ बी ए। और इस टकराने में, कोलिजन के समय में हमारा जो टाइम लगता है वो टाइम कितना है, टी है, टाइम कितना हो गया टी आफ्टर कोलिजन। जब ये कोलाइड हो जाते हैं फिर हमारा ए मूव करता है किस वेलोसिटी से, बी वन से, और बी ये मूव करता है हमारा किससे, बी टू से, इसे मूव करता है बी टू से। अब देखिए हमारे पास मोमेंटम, मोमेंटम हम कहते हैं किसको, मोमेंटम क्या हो गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्या होगा मास एंड वेलोसिटी। अब इस ए का जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, एम वन यू वन हो जाएगा, इसको पी वन कह दिए। और जो फाइनल मोमेंटम है ए का वो क्या हो जाएगा आपको, दैट इज एम 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 वन यू वन है, इसमें क्या आ जाएगा एम वन बी वन हो जाएगा, ठीक। अब इसका चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, पी टू माइनस हो पी वन, पी टू माइनस पी वन, और ये हमारा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, किसका आ जाएगा ए का। और इसमें ये जो चेंज हुए क्यों हुए, ये इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगे। अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स के फॉर्म में क्या हुआ, एफ ए बी आपको लगा, और एफ ए बी इक्वल टू ये आ जाएगा एम वन यू वन और एम वन वी वन, इसको क्या लिखेंगे, जो चेंज इन मोमेंटम। दूसरा हमारा था बी ऑब्जेक्ट, बी का इनिशियल मोमेंटम एम टू यू टू हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा फाइनल मोमेंटम एम टू बी टू हो जाएंगे, ये हो गया पी थ्री और ये हो जाएगा आपको पी फोर। अब जो चेंज इन मोमेंटम करेंगे तो पी फोर माइनस में पी थ्री, यानी एम टू बी टू माइनस में एम टू बी टू आ जाएगा, क्लियर। और इसमें भी टाइम हमारा कितना लग रहा है, टी लग रहा है, और ये फोर्स क्या हो जाएगा एफ बी ए, जो बी है वो एक्सर्ट करता है इस पर, फोर्स एक्सर्ट करता है ए पर करता है, तो ये क्या हो जाएगा एफ बी ए। अब इनको लेकर हम ध्यान करते हैं कौन सा, न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमें क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। यहां देखिए जो हमारा अनबैलेंस फोर्स क्या लगा, एफ ए बी, जो ए है वो बी पर लगा, तो एफ ए बी दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम एम वन बी वन माइनस एम वन यू वन अपॉन में टी। सिमिलरली जो एफ बी ए है ये क्या हो जाएगा एम टू बी टू माइनस एम टू यू टू अपॉन में टी। न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इसमें देखिए हमारा क्या है, जो एफ ए बी है ए एग्जर्ट करता है फोर्स किस पर, बी पर, बी से बी पर फोर्स लगाया था एक्शन, और जो
बी लगाता है ए पर, ये क्या हो गया रिएक्शन। तो दोनों क्या हो गए इक्वल और अपोजिट। एफ ए बी इक्वल टू अपोजिट है माइनस एफ बी ए। क्लियर? एनी डाउट? अब इसको देखिए, पुटिंग वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू को हमने पुट कर लिया, टाइम हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहां पर साइन क्या है माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, इसलिए आपको वैल्यू आ गया। अब फाइनल हमारा जो रिजल्ट आया एम वन बी वन प्लस एम टू बी फोर इक्वल एम वन यू वन एम टू यू टू, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलाइड्स, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्लियर? अब इसका एप्लीकेशन देखिए, जितने भी हमारे ये हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ से डिराइव होकर आया है, तो जितने एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमारे न्यूटन थर्ड लॉ के हैं वो सभी आपको एक्सप्लेन होते हैं, एक्सप्लेन करता है इस चीज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, ये लीनियर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको कि बुलेट है और गन है, तो बुलेट और गन दोनों का जो बुलेट का मास को हम सपोज कर लेंगे एम वन और गन के मास को कर लिया एम टू, जब उसको हम इनिशियल स्टेज में रखते हैं तो बुलेट और गन दोनों किसमें होता है रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में, तो उस समय हमारा टोटल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जैसे देखिए इसको हम और भी कर सकते हैं, देखिए कि हम इसी बेस पर न्यूमेरिकल को भी बनाएंगे, न्यूमेरिकल भी हमारे सारे लीनियर मोमेंटम ये भी लीनियर मोमेंटम है तो बेस पर ही न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो देखिए सपोज कर लिया कि बुलेट का मास m1 है और जो आपको गन है गन का मास क्या हो गया m2। इनिशियली दोनों किस्में है रेस्ट स्टेज में रेस्ट है, तो ये m1 और u1, ये u1 रेस्ट में जीरो हो जाए और दूसरा जब मूव कर रहा है उस समय में b1 हो जाए, क्या हो जाएंगे b1 हो जाए। अब देखिए इसमें जो मोमेंटम हमारा आता है इनिशियल मोमेंटम, जैसे इसी को आप कर लें p1 इक्वल टू m1 u1, एम वन यू वन और इसमें क्या आ जाएगा P2 इक्वल टू एम वन यू वन आ गया एम वन यू वन। जो M2 है यानी गन है ये भी इनिशियली हमारा क्या होगा ये है जीरो, ये रेस्ट स्टेज में है स्टेशनरी पोजीशन में है, और जब इसको हम मूव कराते हैं तो क्या हो जाता है इसकी वेलोसिटी V2 हो जाएगी। अब ये हमारा जो P3 होगा वो क्या हो जाएगा M2 U2, M2 U2 बन जाएगी और जो P4 है वो क्या है ये बन जाएगा M2 V2। अब हमारे पास जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ा था से हमारे फार्मूला मिले, और वो फार्मूला क्या था कि M1 V1 प्लस M2 v2 इक्वल टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। अब यहां पर देखिए यू वन भी जीरो है यू टू भी जीरो, ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये एम वन बी वन दैट प्लस में एम टू बी टू इक्वल टू क्या हो गया जीरो, और ये एम वन बी वन दैट इज इक्वल टू माइनस एम टू बी टू, ये क्या हो गया माइनस एम टू बी टू। अब ये मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा ये जो आया ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है इन्हें अपोजिट डायरेक्शन, इन्हें अपोजिट डायरेक्शन,
और इसी को लेकर हम क्या बोलते हैं इसको, रिकॉल, क्या बोलते हैं रिकॉल, ठीक। और इससे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्लियर। सेम डेरिवेशन, सेम टाइम, सेम डेरिवेशन से आप हर एक न्यूमेरिकल को जहां भी कोई टू वर्ड ही इंट्रैक्ट होता है, कोलाइड होते हैं, तो कोलिजन के बाद, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, क्या होंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्लियर। इसी पर बेस्ड हम कई न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसमें एक तो कंडीशन ये भी हमारा हो गया कि यू वन जीरो है, हो सकता है इसमें हम अलग अलग पैटर्न्स को लेकर और इसी फार्मूला से, इसी बेस पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्लियर। ओके।